हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, अच्छा से तैयारी भी चल रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो एलपीएससी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे टेक्नीशियन बी इसरो प्रोपोलेशन कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आप लोग अगर एलपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो आप उस वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। एलपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कशन कर चुके हैं लाइव सेशन के जरिए में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसरो प्रोपोलेशन कॉम्प्लेक्स जो महेंद्रगिरी में है उसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सारे जितना भी इसरो का यूनिट है दोस्तों, सबका टेक्नीशियन बी फिटर का क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो, और क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ओनली क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की दिया गया है, आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम 24th नंबर तक क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 25th से शुरू करने वाले हैं। ये सारे का पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, उधर से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की। चलिए दोस्तों, 25 का क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द सेक्शन ऑफ द मेटेरियल ट्यूब या पाइप्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा वाइस आप यूज कर सकते हो होल्डिंग करने के लिए, पकड़ने के लिए मेटेरियल या ट्यूब या पाइप्स। ये तीन मेटेरियल को आपको पकड़ने के लिए कौन सा वाइस यूज होता है, पिन वाइस या बेंच वाइस या टूल मेकर वाइस या पाइप वाइस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पाइप वाइस। पाइप वाइस इज यूज्ड टू होल्ड द मटेरियल लाइक ट्यूब या पाइप्स। ट्यूब या पाइप्स को पकड़ने के लिए आप लोग पाइप वाइस यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर का आंसर बताओ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन वाइस कैन बी सेट बाई एनी डिजायर्ड एंगल इन द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा मशीन वाइस आप सेट कर सकते हो डिजायर्ड एंगल। आपको जितना भी एंगल जरूरत है वो डिजायर्ड एंगल में आप सेट कर सकते हो, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों प्लेन में आप उसको माउंट कर सकते हो, प्लेन वाइज या फिक्स्ड मशीन वाइज या स्विवेल वाइज या यूनिवर्सियल वाइल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूनिवर्सियल वाइस। यूनिवर्सियल वाइस इज यूज्ड टू सेट एन रिक्वायर्ड एंगल बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 27 का आंसर बताओ दोस्तों। 27 का क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विथ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है एक मिनिमम मेजरमेंट आप उसको रीड कर सकते हो वर्नियर कैलिपर में, उसको क्या बोला जाएगा, सब स्केल डिवीजन या मेन स्केल डिवीजन या जीरो रीडिंग या लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है कि वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट। पर आपको लिस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या होता है, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड बाय ए मेजरिंग टूल इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। एक मेजरिंग टूल के जरिए में आप जो सबसे मिनिमम, सबसे छोटा जो मेजरमेंट ले सकते हो उसको बोला जाएगा दोस्तों लिस्ट काउंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 28 का आंसर बताओ दोस्तों। द वर्नियर डेप्थ गॉज इज यूज्ड टू मेजर ऑफ। वर्नियर डेप्थ गॉज किसके लिए यूज होता है, इसका यूज पूछ रहा है दोस्तों। इसका ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे एक्सटर्नल मेजरमेंट या होल, रिसेस, स्लॉट्स या स्टेप्स मेजरमेंट या इंटरनल मेजरमेंट या पाइप, सॉरी पिच मेजरमेंट। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, वर्नियर डेप्थ गॉज। डेप्थ गॉज क्या होता है, डेप्थ मतलब आपको होल, रिसेस या स्लॉट या स्टेप को मेजर कर सकता है दोस्तों। ये सारे को आपको वर्नियर डेप्थ गॉज मेजर कर सकता है, इसको याद रख लीजिए। डेप्थ गॉज मतलब डेप्थ मेजर करेगा, जितना भी डेप्थ चीजें है वो मेजर कर सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 29 का रचेस्ट ऑफ इन माइक्रोमीटर हेल्प्स टू। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक माइक्रोमीटर में पार्ट होता है रचेस्ट ऑफ। रचेस्ट ऑफ कहाँ पे होता है, एक माइक्रोमीटर होता है
और यहाँ पे एक लास्ट जो पार्ट रहता है उसको बोला जाएगा दोस्तों राक्षस टप, इसको बोला जाएगा राक्षस टप। तो राक्षस टप किसके लिए यूज होता है, लॉक द स्पिंडल, एडजस्ट जीरो एरर, या कंट्रोल द प्रेशर, या होल्ड द जॉब। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दो कंट्रोल द प्रेशर। प्रेशर कब जनरेट होता है, जब आप राक्षस टप को रोटेट करते हो तो स्पिंडल एडवांस होता है। यहाँ पे सपोज जॉब रहता है, यहाँ पे एनविल रहता है और यहाँ पे स्पिंडल रहता है। सपोज आप इसको राक्षस टप को रोटेट करते रहोगी और स्पिंडल एडवांस होगा, यहाँ पे जब फेस हो, यहाँ पे जब टच हो जाएगा, यहाँ पे ये स्पिंडल बंद हो जाएगा और वहां पे यूनिफॉर्म प्रेशर जनरेट करेगा। तो इसी के लिए ये कंट्रोल प्रेशर जनरेट, मतलब प्रेशर को कंट्रोल करता है बिटवीन एनविल एंड स्पिंडल का बीच में जो प्रेशर जनरेट होता है उसको कंट्रोल करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीरो एरर इन माइक्रोमीटर मींस, तो पूछ रहा है कि आपको जो माइक्रोमीटर में जीरो एरर होता है इसका मतलब क्या होता है। माइक्रोमीटर इज ट्रू, या जीरो मार्क ऑन द थिम्बल इज विजिबल, या जीरो ऑन द थिम्बल एंड डाटम लाइन ऑफ द स्लीव डू नॉट कोइंसाइड व्हेन द मेजरिंग फेस इज करेक्ट, या देयर इज नेगेटिव गैप बिटवीन द एनविल एंड स्पिंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। तो दोस्तों सी का ऑप्शन क्या है, जीरो ऑन द थिम्बल, जो माइक्रोमीटर में एक थिम्बल होता है तो थिम्बल में जो मार्किंग रहता है, जो ग्रेजुएशन रहता है, जीरो ऑन द थिम्बल एंड डाटम लाइन ऑफ द स्लीव, स्लीव स्लीव में जो डाटम लाइन रहता है और जो थिम्बल में जो डाटम लाइन रहता है वो आपकी कॉइंसाइड नहीं करता है, डू नॉट कॉइंसाइड व्हेन मेजरिंग फेस इज कॉन्टैक्ट, एनविल और स्पिंडल जब यहाँ पे टच हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जो थिम्बल और यहाँ पे स्लीव में जो लिस्ट जो ग्रेजुएशन रहता है इसका जीरो और इसका जीरो कॉइंसाइड नहीं करता है, तब इसको बोला जाएगा जीरो। इसका राइट आंसर होगा सी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, 31 का क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। फॉलोइंग इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड डायमीटर। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करके चेक कर सकते हो आउटसाइड डायमीटर का कॉन्सेंट्रिसिटी। कॉन्सेंट्रिसिटी किसको बोला जाएगा, आप सपोज इसको बोला जाएगा दोस्तों कॉन्सेंट्रिसिटी, मतलब ये जो एक सर्कल में नहीं है तो इसको बोला जाएगा कॉन्सेंट्रिसिटी। तो कॉन्सेंट्रिसिटी कैसे चेक हो सकता है, लिमिट गज में, या डायल टेस्ट इंडिकेटर में, या साइन बार में, या वर्नियर विवेल प्रोट्रैक्टर में। दोस्तों डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है इट कैन चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल बार। एक सिलिंड्रिकल बार रहता है उसमें कॉन्सेंट्रिसिटी मतलब ये पूरा 360 डिग्री है कि नहीं उसको चेक करेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बी डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड डायमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 32 का आंसर बताओ दोस्तों। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द कंपोनेंट ओनली टू एंश्योर दैट द साइज विद इन द रेस्पेक्टेड लिमिट इन द मास प्रोडक्शन वर्क। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करके जो प्रोडक्ट का साइज आप मेजर कर सकते हो विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट दिया जाता है उसी लिमिट में आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। जब मास प्रोडक्शन होता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके विद इन लिमिट में आप चेक कर सकते हो, ट्राई स्क्वायर, या डायल टेस्ट इंडिकेटर, या वर्नियर कैलिपर, या गेज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गेज। जो गेज यूज होता है वो मास प्रोडक्शन में चेकिंग के लिए, विद इन लिमिट को चेक करने के लिए गेज यूज होता है। गेज जैसे कि गो गज होता है, एक नो गो गज होता है। तो दोस्तों गेज यूज्ड टू चेक द विद इन लिमिट, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑन द मास प्रोडक्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 33 का आंसर बताओ दोस्तों।
इन द लिमिट गज द डायमेंशन ऑफ नो गो एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिट गज में नो गो गज साइड इक्वल टू किसके साथ सेम रहता है, मिनिमम परमिसेबल डायमेंशन, मैक्सिमम परमिसेबल डायमेंशन, या सेम डायमेंशन, या हाफ द डायमेंशन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने टास्क दिया हूँ, आपको आंसर में कमेंट में आंसर बताना पड़ेगा। दोस्तों लिमिट गज में जो डायमेंशन होता है, जो नो गो एंड का डायमेंशन होता है, उसको किसके साथ इक्वल रहता है, मिनिमम परमिसेबल डायमेंशन या मैक्सिमम परमिसेबल डायमेंशन, या सेम डायमेंशन, या हाफ द डायमेंशन। ये आप लोग के लिए टास्क रखा गया, 33 नंबर लिखिए और उसके बाद इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों 34 क्वेश्चन का पहले पढ़ लीजिए। दोस्तों इन ड्रिल द कौन शेप्ट एंड डज द कटिंग इज कॉल्ड, तो वो बोल रहा है एक ड्रिल के अंदर जो कौन शेप का एंड रहता है, एंड जो पर्सन जो होता है वो कौन शेप का रहता है, व्हिच डज द कटिंग इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा, फ्लूट्स बोला जाएगा, लैंड बोला जाएगा, या पॉइंट बोला जाएगा, या सैंक बोला जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पॉइंट। पॉइंट जो होता है वो ऐसे वी शेप का रहता है दोस्तों, वी शेप का, कौन शेप का रहता है। चलिए दोस्तों 35 का आंसर बताओ। 35 क्या बोल रहा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द टेपर सैंक ड्रिल व्हिच फिट इनटू द स्लॉट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टेपर सैंक ड्रिल होता है, कौन सा पार्ट जो स्लॉट बनता है उसमें, जो स्पिंडल में एक स्लॉट रहता है, टेपर सैंक ड्रिल में कौन सा पार्ट वो स्लॉट के अंदर घुस जाता है। इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन जो बॉडी है, या बी टैंक है, या सैंक है, या लैंड है। इसका राइट आंसर होगा टैंक। टैंक पार्ट जो होता है वो टेपर सैंक ड्रिल ऐसा होता है दोस्तों, और टेपर सैंक ड्रिल के ऊपर ऐसा एक टैंक रहता है दोस्तों, तो इसको बोला जाएगा टैंक। तो टैंक क्या करता है, स्पिंडल के एक स्लॉट रहता है, ऐसे टाइप का स्लॉट रहेगा, वो स्पिंडल के अंदर वो टैंक घुस जाएगा दोस्तों, तो इसको बोला जाएगा टैंक दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा टैंक। चलिए दोस्तों यही था 10 क्वेश्चन मैंने बताया, तो 10 को आप कितना स्कोर कर रहे हो वो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे दोस्तों, इसी तरीका में सारे स्टडी मटेरियल को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।